अरे आपके पास सामान भेजिए। आइए आइए। अजट संघ की बना तले एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन बंद, क्योंकि मैं अजट संघ से पूर्व से ही अजट संघ से संबंधित रहा हूँ, इसलिए कोई कार्यक्रम होता है तो अजट संघ के जो लोग यहाँ जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं हमको सूचित करते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि अजट संघ अपने कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सफल हो, इसलिए मैं भी सक्रिय भागीदारी देता हूँ। अजट संघ के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, अजट संघ की जरूरत क्या है जिसे लोग अजट संघ को फॉलो करें? अजट अभी भारत में जो तथाकथित जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो लोगों में धार्मिक भ्रांतियाँ हैं या जो पाखंड है या जो अंधविश्वास है या जो लोगों में धर्म के नाते मानसिक गुलामी है, उस मानसिक गुलामी को समाप्त करने का एकमात्र साधन अजट संघ है, जो पाखंडों का खुलासा करके लोगों को पाखंड से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है, और साथ ही साथ जो पाखंड के नाते जो समाज में लोगों की प्रगति रुक गई है, लोगों का जो वैज्ञानिक चिंतन समाप्त हो रहा है, इसलिए अजट संघ को बढ़ावा देना पूरे समाज के लिए और विशेष रूप से समाज का जो पिछड़ा और दलित वर्ग है उनके लिए नितांत आवश्यक है। समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के लिए किस स्तर पर आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग समाज में जो भ्रांतियाँ हैं उनका वैज्ञानिक स्तर पर उनका खुलासा कर रहे हैं, जैसे कि अभी तक भारत में मूर्ति पूजा पर बहुत जोर दिया जा रहा है, अब आप समझें कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही मूर्ति पूजा का विरोध किया, उनकी जो आर्य समाज को स्थापना करने का जो मूल आधार था वो मूर्ति पूजा का विरोध, लेकिन बड़ा अफसोस है कि आज वो आर्य समाज भी कहीं न कहीं किसी न किसी परोक्ष रूप से मूर्ति पूजा का समर्थन कर रहा है। ऐसी स्थिति में पूर्व में आर्य समाजियों ने जो आंदोलन किया, यद्यपि कुछ उसमें भी अंधविश्वास है, जैसे वो वेदों को बहुत बड़ा अपना बहुत बड़ा ग्रंथ मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध करके बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन वर्तमान समय में वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। तो समाज में कुछ लोग अजट संघ के जो विचार हैं इसको हिंदू विरोधी बताते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हिंदू विरोध नहीं है, लेकिन बात ये उठता है कि वास्तव में हिंदू शब्द का प्रयोग कब से शुरू हुआ, हिंदू किसके लिए प्रयोग हुआ? जब मुसलमान शासक यहाँ आए तो मुसलमान शासकों ने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा, क्यों कहा? क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी असभ्यता की बात थी कि यहाँ पर जात के नाम पर ऊंच नीच और छुआछूत था, इससे बड़ी असभ्यता कुछ नहीं हो सकती है, इसीलिए मुसलमानों ने यहाँ के लोगों को हिंदू शब्द कह करके, जो फारसी का शब्द है हिंदू कह करके असभ्य होने का प्रमाण दिया, लेकिन अज्ञानतावश यहाँ के लोग ये समझे कि हिंदू कोई हमारे लिए एडजेक्टिव है, कोई विशेषण है, इसलिए इसको प्रयोग करते चले आए, आवाज भी कर रहे हैं, जो कि उनके उस हिंदू शब्द के अज्ञानता का द्योतक है। जिस दिन वो पूरी रूप से जान जाएंगे कि ये फारसी का शब्द है और हमको असभ्यता का द्योतक है, वो खुद ही अपने को हिंदू कहना छोड़ देंगे और अपने को या तो सनातनी कहेंगे या भारतीय कहेंगे।